लोकसभा चुनाव में निर्दलीय किस्मत आजमाने उतरी सीवान के मैदान में हिना साहब एक बार फिर से काफी सुर्खियों में हैं। हिना साहब नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि गंगा जमुनी तहजीब वाला जिला सीवान कई दफे सुर्खियों में रहा। जब शहाबुद्दीन थे तब उनके बाहुबली और उनके आपराधिक होने के साथ साथ उनके विकास पुरुष होने की भी बातें खूब कही गई, और अब उनकी पत्नी राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपने तमाम रिश्तों को खत्म करते हुए आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतर रही। हालांकि हिना साहब के मैदान में उतरने से राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बुरा हालात होते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि हिना साहब लगातार धर्म से ऊपर उठकर मजहब की तमाम दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। हर जाति हर वर्ग के लोग आज हिना साहब के साथ दिखाई पड़ रहा। नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन करते हुए हिना साहब की तस्वीर और वीडियो निकल कर सामने आया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हिना साहब कन्या पूजन के बाद जब कन्याओं को भोजन कराने की बारी आई उस वक्त वो अपने हाथों से कन्या पूजन के बाद उनको भोजन परोसते हुए भी दिखाई पड़ी हैं। ये सीधी तस्वीरें सीवान की है जहां लगातार चुनावी जनसंपर्क अभियान चुनावी जनसभा के पहले तमाम नेता अपने अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के कई जो बड़े समर्थक हैं उन तमाम नेताओं के साथ हिना साहब जो है वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए जहां जो छोटी बच्ची है जब कन्या पूजन किया जा रहा है तो विधिवत हिना साहब उनके पाँव को रंगते हुए दिखाई पड़ रही हैं, उनके पैरों पर खुद जो है वो लाली लगाते हुए दिख रही हैं। उसके बाद उनका पूजा अर्चना करते हुए हिना साहब दिख रही थी, और विधिवत जो है नवमी के मौके पर हिना साहब ने पूजा अर्चना की कुमारी कन्याओं को, उसके बाद उनको भोजन ग्रहण करवाया। और ये तस्वीर जब निकल कर सामने आई उसके बाद हिना साहब ने बिहार के साथ साथ सीवान के लोगों को संदेश दिया और कहा कि वो किसी भी धर्म मजहब के दीवार से नहीं बंधी हुई है, बल्कि वो सबका सम्मान करती हैं और सीवान के लोग भी उनको अपना स्नेह इसी प्रकार देता है। हालांकि राजद से रिश्ता तोड़ने के बाद हिना साहब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। 3 बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद भी हिना साहब को सफलता नहीं मिली थी, और अब हिना साहब निर्दलीय मैदान में उतर कर सीवान के हर लोगों के बीच पहुँच कर हिना साहब ने एक अलग ही पहचान बनाई है। नवरात्र में बच्चियों को खिलाया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के कि बच्चियों को बुलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है, खाना पूरा खिलाया जाता है, उनको तोहफा भी दिया जाता है। तो मैं सोची कि मैं भी एक बार ये काम शुभ काम कर सकूं, इसीलिए मैं इस नवरात्र में मैं यहाँ पहुँची हूँ। कैसा लगा मैडम जो छोटी छोटी कन्याओं को अपने हाथ से आपने श्रृंगार किया, प्रसाद खिलाया? आज नहीं, बहुत पहले से मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, चाहे वो सबके बच्चे बच्चे होते हैं। इसलिए अब मेरा जो काम है वो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो बच्चों को बुला के मैं प्यार करती हूँ, तो यहाँ भी मैं आई हूँ बच्चों को प्यार देने और इन्हें आशीर्वाद देने ताकि ये लोग आगे बढ़ें, इनका उज्जवल भविष्य हो। और ये जितनी बच्चियां हैं जितने घर की सिंगार बनेंगी बड़ी होकर, तो मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ें और जिस घर में जाए संस्कार के साथ जाए। और आज शोभा यात्रा भी निकलने वाली है, क्या अपील होगी आपकी? देखिए शोभा यात्रा हर साल की भांति इस साल भी निकलेगा, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी नौजवान लड़के हैं वो लोग रूल रेगुलेशन से शोभा यात्रा में शामिल हों, और शोभा यात्रा का जो यात्रा हो वो खुशहाली से संपन्न कराएं, ताकि कोई भी हुड़दंग ना हो, किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।